ओके आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन। उसकी फॉर्मूला हमने डिराइव कर दी है और उसके एग्जाम्पल और बुक के जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के वो हम सॉल्व करेंगे। ओके चलो चलो एग्जाम्पल नंबर वन। द मैरी वॉन्ट टू डेकोरेट द हर क्रिसमस ट्री। सी वॉन्ट टू प्लेस द ट्री ऑन द वुडन बॉक्स कवर्ड विथ द कलर पेपर विथ पिक्चर ऑफ द सांता क्लोज। सी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर बाय फॉर दिस परचेज। इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी स्क्वायर फीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड सी रिक्वायर्ड। यानी कि जो मैरी है उसे अपनी सांता ट्रे को रखने के लिए एक बॉक्स डेकोरेट करना है। ये देख रही है जो सांता ट्रे है उसे रखने के लिए नीचे एक बॉक्स दिया है उसे डेकोरेट करना है। और बॉक्स डेकोरेट कैसे करना है, ये सांता क्लोज के ऐसे पेपर है स्क्वायर पेपर है उससे उसे डेकोरेट करना है। बॉक्स का लेंथ देखो यहाँ पे लेंथ लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है 80 सेंटीमीटर 40 और 20। जिससे हमें क्या पता चलेगा, सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स और 40 सेंटीमीटर साइड वाला पेपर है यानी कि उसकी साइड कितनी है, एक साइड है 40 सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर। जिससे उसका पूरा एरिया पता चलेगा और उससे हमें क्या करना है, इस बॉक्स को डेकोरेट करना है। नाउ वी वॉन्ट टू डेकोरेट द बॉक्स। बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए इस पेपर का यूज करना है। ऐसे कितने पेपर लगेगे बॉक्स को डेकोरेट करने के, वो हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबको पहले टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला पता है, यस और नो? यस हाँ सर। हाँ टू ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एच एल। ओके ओके चलो वो स्टार्ट करते हैं। तो ही आर लेंथ एल इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर ब्रेथ बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एल बी टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके तो टू इंटू एल इज इक्वल टू क्या है 80, ब्रेथ क्या है हमारी 40 प्लस 20 प्लस हाइट है 20 प्लस 80। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा मुझे बताओ। 2 × 5 = 600 सॉरी 100 सेमी स्क्वायर। यूनिट चेक करना, अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। सेमी सेमी स्क्वायर होगा तो फाइनल आंसर होगा 11,200 सेमी स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होगा बॉक्स का, ये किसका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। अब जो पेपर हम लेने वाले हैं उसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि यानी कि एक बॉक्स पे एक पेपर चिपका है तो वो कितना एरिया कवर करेगा, तो पेपर का एरिया भी पता होना चाहिए। देन एरिया ऑफ पेपर, या तो पेपर शीट भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख दो। एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू 14 × 40 तो कितना हुआ
1600 सेमी स्क्वायर, यानी कि 1600 सेमी स्क्वायर वो एरिया एक पेपर कवर करने वाला है। टोटल हमारे पास कितना एरिया है, टोटल 11200 सेमी स्क्वायर एरिया है, उसमें से एक पेपर आप वहां पे लगाएंगे तो 1600 एरिया कवर होगा। तो कैसे कितने पेपर कवर लगाएंगे जिससे पूरा बॉक्स कवर हो जाए, तो नाउ नंबर, सेवन हाँ वो हम कैसे सेवन आएंगे वो देखते हैं। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सीट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ इच सीट ऑफ पेपर। टोटल सरफेस एरिया है 11200 सेमी स्क्वायर एंड वो है 1600। ओके 16 7 जा 112 तो 7। तो नंबर ऐसे कितने पेपर चाहिए हमें, टोटल 7 पेपर वहां पे डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पे ये बॉक्स पे ऐसे हम कितने 7 पेपर से ये पूरा बॉक्स क्या हो जाएगा, कवर डेकोरेट हो जाएगा, कवर हो जाएंगे। ऐसे कितने 7 पेपर से बॉक्स पूरा क्या हो जाएगा, डेकोरेट हो जाएगा। ओके क्लियर, किसी को कोई डाउट डाउट है, यस और नो? नो सर। ओके सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। हमीद हैज बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लिड फॉर हिज हाउस विथ इच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। ही गेट अ आउटर सरफेस ऑफ टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ द स्क्वायर टाइल्स फॉर साइड 25 सेंटीमीटर। फाइंड द हाउ मच वुड द स्पैन फॉर द टाइल्स एंड इफ द हाउ कॉस्ट ऑफ टाइल्स, मतलब कि इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज 360 पर डजन। यानी कि उसे क्या करना है, एक क्यूबिकल टैंक बनाना है। ओके एक ऐसा एक टैंक बनाना है, एक क्यूबिकल टैंक पर को क्यूबिकल टैंक बनाना है। तो ऐसा एक टैंक बनाने के लिए उसे अपने घर में पानी की टंकी बनानी है, ऐसा सिंपल तरीके से समझे तो पानी की एक टंकी बनानी है, पानी का एक टैंक बनाना है। ओके और उस टैंक बनाएगा तो उसका बेस तो ऐसे नीचे चला जाएगा, बेस के अलावा जितना भी बाहर का पार्ट है उसे वहां पे क्या करना है, टाइल्स से कवर करना है। वो क्या करना चाहता है कि पानी का एक टंकी तो बना दिया पर उसे अब क्या करना है, टाइल्स से पूरा कवर करना है। तो कवर करने के लिए उसे टाइल्स का कॉस्ट है पर डजन 360 रुपी। तो उसे कितना टोटल कॉस्ट होगा, कितना स्पेंड होगा, यानी कि कितना पैसा लगेगा उसे टोटल ये टाइल्स लगाने के लिए, तो वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो कितनी टाइल्स लगेगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन जैसे आगे हमने जैसे एक पेपर शीट फाइंड लगाई ना, कभी बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए एन पेपर शीट लगेंगी, इसी तरह हमारा जो टंकी है उसे कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेगी उसी तरह से। तो पहले पूरी टंकी का सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² बट यहाँ पे क्या है बेज के अलावा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना होगा कोई बताएगा, 5a² टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सबको समझ में? ओके क्योंकि देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये देखो ये हमारा क्यूब है ऐसा मान लो, इसमें कितनी टोटल 6 सरफेस है बट उसमें से जो बेज है वो अभी हम काउंट नहीं कर रहे, तो उसके अलावा कितनी बची 5, तो 5a² रहेगा। क्यूब में हम 6a² इसलिए ले रहे थे 6a² क्योंकि सभी थे, अब हमने क्या किया बेज को निकाल दिया तो इसीलिए कितना बचा 5a²
इसीलिए अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना होगा, 5a² ओके क्लियर? यस सर। ओके सर, इसको लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, ओनली फॉर साइड, इस तरह का बेस सीलिंग और फ्लोर दोनों निकाल दो तो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। ओके ओके सर, वो आगे आएगा क्वेश्चन। चलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 5a² वेयर ए इज इक्वल टू एज, मतलब कि हमारी जो एज ली है वो है इज इक्वल टू 1.5 मीटर है। अब मीटर है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे देखो जो टाइल्स का जो टाइल्स है उसका जो साइड दिया है वो किस में दिया है, सेमी में दिया है, तो इसे सेमी में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा, 150 सेमी होगा, तो इसका हम लिख 5 × 150 सेमी² इसे नंबर वन दे दो। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, इज इक्वल टू क्या होगा, 25 × 25। ओके चलो, द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक डिवाइड बाय एरिया ऑफ टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक कितना है, 5 × 150 स्क्वायर डिवाइड बाय 25 × 25। चलो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 × 150 डिवाइड बाय 50 × 50 कितना हुआ, 6, कितना हुआ, 6 180 कितना होगा, 180 टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हुई, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए, 180 चाहिए। ओके चलो, कॉस्ट ऑफ 1 dozen टाइल्स इज 360 रुपी, तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू 12, कितना डजन में कितना होगा, 12, तो इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो एक टाइल्स लगाने के लिए एक टाइल्स की प्राइस कितनी है, 30 रुपीज, ऐसी कितनी टाइल्स लगानी है, टोटल 180 टाइल्स हमें लगानी है। तो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स इज इक्वल टू 180 × 30, तो टोटल हमारा कॉस्ट होगा 5,400 रुपीज, यानी कि हमिद को वाटर टैंक के आसपास टाइल्स लगाने के लिए 5,400 रुपीज चाहिए होंगे, तभी वो टाइल्स लगा पाएगा। ओके चलो क्लियर? यस सर।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जांपल थी वो खत्म हो गए, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन दो एग्जांपल थे मैंने करवा दिए। चलो चलो एक्सरसाइज थर्ड, चलो कौन रीड करेगा अभी? क्वेश्चन नंबर वन मुझे एक्सप्लेन करके बताओ अभी, कोई है? समय आए। हाँ चलो स्टार्ट करो माही। या प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपन एट द टॉप। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। एंड सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ अ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। सो सर, इसके लिए हमें पहले तो एरिया, टोटल एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना पड़ेगा, बट ऊपर का जो है हमें टॉप नहीं बनाना, तो हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद उसका कॉस्ट निकालना है। बट हमें जो 65 cm दिया है उसको या तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर जो 1.5 मीटर एंड 1.25 मीटर दिया है उसको cm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके बढ़िया बढ़िया गुड। हमें क्या यहाँ पे एक प्लास्टिक बॉक्स बनानी है। प्लास्टिक बॉक्स बनाने के लिए हमें प्लास्टिक शीट चाहिए, और उसमें जो प्लास्टिक बॉक्स कैसा बनाना है उसका उसने मेजरमेंट दिया है कि 1.5 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, 1.25 मीटर वीड यानी कि ब्रेथ होनी चाहिए, डीप यानी कि हाइट यानी कि उसका डीप डेप्थ होना चाहिए 65 सेंटीमीटर। यानी कि देखो जो मीटर है मीटर में से सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके या तो सेंटीमीटर में से मीटर में चले जाओ, कुछ पहले एक सब पे यूनिट इक्वल कर देंगे। और हमें बॉक्स कहना चाहिए, ओपन बॉक्स चाहिए, यानी कि देखो ये हमारा देखो बॉक्स है, ऐसा मान लो कि ये बॉक्स है, तो ऐसा बॉक्स बनाना है। बट उसका जो ऊपर टॉप है ओपन बॉक्स बनाना, यानी कि जो टॉप है वो नहीं आएगा, यानी कि टॉप वाला पार्ट नहीं आएगा। तो उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? वहां पे जो LB 2 बार आ रहा था यानी कि 2 एंड 4, ये 2 एंड 4 उसमें से एक पार्ट नहीं आएगा। सपोज 2 वाला पार्ट निकाल दूंगा तो ये बॉक्स कैसा बन जाएगा? ओपन बॉक्स बन जाएगा। इसीलिए इसमें से उसकी फॉर्मूला में जो फॉर्मूला क्या होगी, 2LH 2BH प्लस LB। LB सिर्फ वन टाइम होगा क्योंकि एक जो प्लेन था, मैंने एक प्लेन रेक्टेंगल वो मैंने निकाल दिया, ओपन बॉक्स रखना, इसलिए ये पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने निकाल दिया, इसीलिए ये नहीं आएगा। ओके तो समझ जा गए फॉर्मूला कौन सी लगेगी सबको? चलो फॉर्मूला कौन सी यस लगेगी? यस ओके। तो पहले तो सबको कन्वर्ट कर देते दे एक में। हियर लेंथ लेंथ L इज इक्वल टू 1.5 मीटर, फिर ब्रेथ कर दो, या तो वो जो विड्थ लिखनी है विड्थ लिख दो। ओके पर ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ B इज इक्वल टू 1.25 मीटर एंड हाइट, एंड हाइट इज इक्वल टू, या तो डेप्थ लिख दो, दोनों एक ही बात है, एच इज इक्वल टू 0.65 मीटर। सेंटीमीटर थे तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके अभी हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड द मेकिंग बॉक्स। ऐसी कितनी एरिया सीट है उसका टोटल एरिया क्या होगा? सपोज एक सीट में से आपको टोटल आपको बॉक्स बनाना है, तो कितना एरिया, टोटल एरिया कितना यूज होगा एक सीट का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ओके तो है LB प्लस 2BH प्लस 2LH। LB
1.5 इंटू बी ब्रेथ यानी कि 1.25 प्लस 2 bh breadth 1.25 into height 0.65 2 into lh 1.5 into h 0.65 okay चलो calculation कर दो और जो final answer होगा वो 5.45 meter square टोटल सरफेस एरिया इतना मिलेगा 5.45 square ओके चलो अब हमें क्या फाइंड करें द कॉस्ट ऑफ सीट ऑफ पर सीट मेजरिंग पर मीटर स्क्वायर यानी कॉस्ट की है 20 rupees यानी कि जब सीट आप परचेज करने जाएंगे मार्केट में तो पर मीटर स्क्वायर 20 rupees चार्ज लगेगा तो आपको ये बॉक्स बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी वो हमें फाइंड करनी है तो वो फाइंड करने के लिए तो पहले पर मीटर स्क्वायर कितना पर मीटर स्क्वायर 20 rupees है यानी कि कॉस्ट ऑफ सीट पर मीटर स्क्वायर 20 rupees है तो हमें कितना चाहिए तो टोटल कॉस्ट of seat is equal to 5.45 into 20 क्योंकि total area कितना था 5.45 meter square into 20 तो आपका final answer होगा 109 rupees total cost खर्च होगा 109 rupees आपको खर्च करना पड़ेगा तब भी ये बॉक्स बन पाएगा जो आपको जो कंडीशन दी है वो बॉक्स बनाने के लिए कितना आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा 109 rupees ओके क्लियर किसी को कोई डाउट है इसमें नो सर नो डाउट ओके सर यस सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर हम उसमें लेटरल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला भी कर सकते हैं ना क्योंकि ये मतलब उसका टॉप ओपन है तो फिर कर सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया का बेटा फॉर्मूला ये है कि जिसमें टॉप और जो बॉटम है दोनों नहीं होंगे तो लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे उसे 1 मिनट टोटल तो तब बोलते हैं जब हम सारी साइड इंक्लूड करते हैं ना क्या क्या वो 1 मिनट फर्स्ट क्वेश्चन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन ले लो उसको भी लेटरल ही बोलेंगे ना क्योंकि टोटल तो हम कब बोलते हैं जब हम सब कुछ मिक्स करते हैं कुछ हाँ, भी ले लो हाँ तो लेटरल सरफेस एरिया बट प्रॉपर लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है कि आगे क्वेश्चन है उसमें दिया है बुक में ही है 1 मिनट का देखो एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया आप लिखेंगे तो भी चलेगा बट लेटरल सरफेस एरिया तभी यूज कीजिए कि जब सारी की सारी फोर साइड और टॉप और बॉटम नहीं हो तभी ओके या तो आप वैसा ही लिखो कि जब वो बॉक्स बोला है तो बॉक्स टोटल सरफेस एरिया बॉक्स बोला है टैंक बोला है जो दिया है क्वेश्चन में उस हिसाब से आप लिखो ओके टोटल सरफेस एरिया मतलब कि सपोज मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे हमें दिया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक बोला है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक वही लिखेंगे कि हमें जो टैंक बनाना है उस हिसाब से फिर इस क्वेश्चन में दिया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स यानी कि जो हमें बॉक्स दिया है कंडीशन दिया है वो बॉक्स बना रहे उसकी बात कर रहे लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे तो भी चलेगा बट आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स लिखोगे तो वो अच्छा बेटर दिखेगा आपके जो कंडीशन दिए उस हिसाब से लिखिए ओके ओके सर चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल
room the ceiling at the rate of the 7.5 per meter square. यानी कि एक रूम है, रूम को हमें क्या करना है, व्हाइट वॉश यानी कि व्हाइट कलर करना है, ऐसा ही बोलते हैं, व्हाइट कलर करना है. तो उसमें क्या है कि टोटल हमें उसमें पर मीटर चार्ज है 7.5 है, पर मीटर चार्जेस कितने 7.5 है. तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, टोटल कितना पैसा लगेगा ये हमें करने के लिए. तो उसमें हम क्या करेंगे, उसने बोला हाँ लेटर सरफेस एरिया विदाउट बेज, यानी कि उसमें बेज हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो वहां पे फॉर्मूला कौन सी बनेगी, एलबी प्लस 2BH प्लस LH. ओके, क्योंकि उसमें जो फ्लोर होगा वो निकल जाएगा. ओके, क्योंकि वहां पे फ्लोर पे तो कलर नहीं कर सकते ना हम, दीवालों पे और छत पे ही कलर करेंगे, यानी कि जो सीलिंग है वहां पे. तो वहां पे LB प्लस 2BH प्लस LH वाली फॉर्मूला लगेगी. टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, लेटरल सरफेस एरिया, और उसके साथ 7.5 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा. सिंपल है, क्लियर सर? मतलब ये जो सरफेस एरिया निकालते वक्त हम बाजू में इनटू 7.5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना साथ में? अलग से लिखना है? नहीं, फिर बाद में लिखना है. एक बार सरफेस मतलब एरिया ऑफ व्हाइट वॉश ऐसा कुछ लिखो, या तो लेटर सरफेस एरिया 74 मीटर स्क्वायर मिलेगा, फिर वहां पे लिखो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5. तो टोटल कितना है, 74 है. तो वहां पे इस तरह से करो. ओके, अलग से अच्छी तरह से मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ ग्रुप में, तो वहां से आप लिख देना. ओके, तो ये सिंपल है. अब मैं जाऊंगा डायरेक्ट थर्ड पे. चलो सर, मतलब होमवर्क है ये? हाँ, सेकंड होमवर्क है. थर्ड, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 200 मीटर. यानी कि वहां पे एक हॉल है, वहां पे उसका फ्लोर है, उसका पेरी रेक्टेंगल होगा, क्यूबॉइड है, फ्लोर जो हॉल है वो क्यूबॉइड टाइप का है. तो उसका जो फ्लोर है, उसका जो पेरीमीटर दिया है वो है 250 मीटर. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल द रेट 10 मीटर, यानी कि उसकी हॉल है उसकी चार दीवारों को पेंटिंग करने का चार्जेस कितना है, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. और टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल कितने पैसे लगे वहां पे, 15,000, यानी कि 15,000 रुपये वहां पे हमने लगाए. तो वहां पे उसने ये बोला कि उस हॉल की हाइट कितनी होगी, क्या दिया और क्या मांगा है हमसे. उसने बोला कि पे हाइट दो, तो वो कैसे लगाएंगे, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करिए. ओके, तो वहां से स्टार्ट करते हैं कि सपोज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर. अभी मैं टाइम कम है लेक्चर खत्म होने को, तो मैं लेंथ एल ले रहा हूँ, ब्रेथ ले रहा हूँ बी, और हाइट ले रहा हूँ एच. ओके, अब पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल इज एल प्लस बी. ओके, एल प्लस बी 2 होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसके इक्वल टू हमें यहाँ पे वैल्यू भी दिए 250. तो एल प्लस बी इज इक्वल टू, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 125. ओके, नंबर वन दे दिया भाई. दूसरा ये दिया है कि पेंटिंग का जो चार्ज है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर इज 10 रुपीज है. पर मीटर कितनी है, 10 रुपीज है. टोटल कितना खर्चा हो रहा है हमें, टोटल कॉस्ट है 15,000. द एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू कितना होगा, 15,000. हाँ, वो पहले यहाँ से
एक वैल्यू फाइंड कर देना उसकी, यहाँ पे मिल जाएगा टोटल हमें कितना हो रहा है, 15,000 हमने खर्चा किया 15,000 रुपीज, और पर मीटर स्क्वायर कितना पे कर रहे हैं 10 मीटर, तो वहां से एरिया मिल जाएगा ना, सरफेस एरिया, एरिया यानी कि सरफेस एरिया की बात करो। ओके 1 मिनट, तो कितना हुआ 1500 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ फॉर्मूला, और उसकी फॉर्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया की फॉर्मूला लगेंगे ना 4, तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ द फोर वॉल, फोर वॉल इज इक्वल टू 2 LH plus BH, तो 2 LP plus H, एरिया ऑफ वॉल्स हमने अभी फाइंड किया कितना 1500, एल बी हमारे पास है, एल प्लस बी कितना है 125, वो भी रख दो 2 × 155 × H, सामने आमने सामने जो कैंसल हो रहा है वो कैंसल कर दो, तो टोटल हमें कितना मिलेगा H इज इक्वल टू क्या 125, तो कितनी हाइट मिलेगी 6 मीटर, टोटल हाइट कितनी होगी 6 मीटर, ऐसे आप ही कैलकुलेशन कर दो 250, ये कितना होगा, इसका होगा 250, यहाँ पे फिर 5 5 कैंसिल होगा, तो 25 6 150, तो 150 कैंसिल होगी, आगे बचेगा 6, तो H इज इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि वहां पे जो हमारा हॉल है उसकी हाइट होगी 6 मीटर। ओके, पहले हमने क्या किया, इसमें पेरीमीटर दिया था, तो वहां से पेरीमीटर वाली फॉर्मूला लगाई, वहां पे रेक्टेंगल के पेरीमीटर की फॉर्मूला है एल एल बी बी, तो क्या होगी पेरीमीटर की फॉर्मूला 2 LB 2 L plus B, वो और पेरीमीटर दिया है तो वहां पे 250 लिख दिया, तो L plus B is equal to 125 मिला। उसके बाद उसने बोला था कि वहां पे जो दीवार है उसे पेंट करने के लिए पर मीटर पे 10 रुपीज चार्ज है, तो टोटल उसने 15,000 रुपये पैसे लिए हैं, तो टोटल कितने एरिया को पेंट किया होगा उसने, कितना एरिया मिला वहां पे, उससे हमने एरिया फाइंड किया 1500, यानी कि 1500 को एरिया को उसने क्या किया होगा, पेंट किया होगा, तो ये फॉर्मूला हमने वहां पे, मतलब कि यहाँ से हमें एरिया मिल गया, और एरिया के लिए यानी कि लेटरल सरफेस यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स की फॉर्मूला हमने, हमारे पास थी 2 LH plus BH, वहां पे इज इक्वल टू वैल्यू तो हमें पता थी, एल प्लस बी की वैल्यू भी पता है, तो हाँ वहां से हमें क्या मिल गया, एच पता, यानी कि हाइट मिल गई। क्लियर सर? यस सर, इसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, मतलब जो 250 है उसको अगर हम मतलब 10 पर मीटर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपी 2500 हाइट हमारी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद जो हमारा टोटल मतलब कॉस्ट है 15,000 हमारा कॉस्ट है, तो उन दोनों को हम डिवाइड नहीं कर देंगे 15,000 by 25 2500, तो उनको डिवाइड करके सकता है। हाँ, तो भी चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप ये 15,000 लिखा ना, उसकी जगह पे आप मतलब कि ये फॉर्मूला भी रख के कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी कर सकते हो, वहां पे देखो डायरेक्ट मैंने पहले फॉर्मूला फाइंड की फिट लगाए, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन में कोई भी प्लस माइनस कर सकते हो, आपको जैसे भी शॉर्ट, पर इतना वैसा नहीं कि गलत आ जाए, जो मेथड है उस हिसाब से ही जाना है हमें, बट आप हिसाब से पहले वो लिखिए, फिर डायरेक्ट आपने, मैंने 50,000 पहले फाइंड किया फिर मैंने लिखा, आप बिना फाइंड किए डायरेक्टली आप वह भी फॉर्मूला में लगा के कर सकते हो, ओके एज यू इज आप कर सकते हो जो। ओके, और किसी को कोई डाउट है? यस सर। यस, बोलिए सर। इसमें क्वेश्चंस नहीं लिखेगा तो नहीं चलेगा, बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ आप अपने बुक में नंबर लिख दीजिए कि भाई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2,
और बुक है तो बुक में एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, ओके। हाँ पर फिगर जो दी है अगर मैंने ड्रॉ की है तो आपको करनी है। ओके सर, वो हो जाएगा। ओके और किसी को अभी कोई डाउट? 1 मिनट में अटेंडेंस ले लेता तो कोई जाना मत पहले तो।